श्री गुरु ब्यो मैं आप सभी को ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एक में स्वागत करती हूँ आज कक्षा चार के लिए एक पाठ सिखाने वाली हूँ बच्चों उससे पहले ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं हाँ विभिन्न देशों के झंडे है ना ऑस्ट्रिया जर्मनी कनाडा चाइना इसी तरह विभिन्न देशों के झंडे को देख रहे हैं ना बच्चों हाँ अभी क्या देख रहे हैं ये तो एक रंग है कौन सा रंग है बच्चों केसरिया हाँ केसरिया अरा और सफेद ये सब हमें किसका याद दिलाता है बच्चों हमारा तिरंगा झंडा अभी पता चला मैं क्या सिखाने वाली हूँ हाँ सी बी एस ई बोर्ड कक्षा चार के लिए पाठ हमारा तिरंगा झंडा सिखाने वाली हूँ अभी इसका सारांश सुनिए बच्चों राष्ट्रीय झंडा देश के सम्मान का प्रतीक होता है इसे इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने देश को सैनिकों अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं हमें इसे तिरंगा भी कहते हैं इस तिरंगा में तीन रंग होते हैं पहला रंग क्या है बच्चों केसरिया केसरिया का अर्थ है बहादुरी दूसरी रंग हाँ वो तो सफ़ेद है ना हमारे पवित्र विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है तीसरा रंग क्या है बच्चों हरा रंग हरा रंग का हर्त है हरियाली खुशहाली और समृद्धशाली आप लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों बताइए। ये ये तो तो क्या है? हमारा तो अशोक चक्र है है है। ना? अशोक चक्र है। और इसमें कितनी तीलियाँ होती है बच्चों 24 तीलियां होती है यू कैन सी ट्वेंटी फोर स्पोक्स इन द अशोक चक्र है, है ना ये तो बहुमूल्य चौबीस कंटों की सूचक है बच्चों इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों यहाँ पर सब राष्ट्रीय झंडा की सम्मान करते हैं है ना और सावधान की मुद्रा मुद्रा में खड़े होकर झंडा की सम्मान करते हैं इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे बच्चों है भारत के बच्चे भारत के नागरिकों सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है यह हमारे देश की पताका है आओ इसके नीचे मिलकर झंडा ऊंचा रहे हमारा यह मात्रा झंडा नहीं हमारी आन भी है और प्राण भी है इसके ऊंचा रहना का अर्थ है देश की शान बनी रहना देखो ए भारत के बच्चों मीन इंडियन चिल्ड्रेन भारत के नागरिकों नागरिकों मुद्रा में खड़े हो जाओ सावधान मीन्स दैट इज अटेंशन सावधान की मुद्रा मीन्स अटेंशन पोजिशन देखो दे आर स्टैंडिंग इन द अटेंशन पोजिशन क्योंकि तिरंगा झंडा पहराया जा रहा है Why they are standing in that position? Because The flag, the flag has been hoisted therefore they are standing in the attention position and what they are doing they are singing the patriotic song what song it is children Janda uncha rahe hamara matra it is not only the flag it is our pride An means pride pran means what it is our life soul iske uncha rehna ka hai desh ki shaan bani rehna therefore the pride of the nation lies in the

झंडा है ना यस अभी प्राण तो सोल है आगे देखें बच्चों यस व्हाट यू कैन सी य चिल्ड्रन यू कैन सी द पीपल स्टैंडिंग टुगेदर यस दे शो दे यूनिटी रिजेंटेड द्राइकल कलर्स आल्सो टेल्स अबाउट द यूनिटी इट रिवील्स द यूनिटी ऑफ इंडियंस एंड लेट मी रीड द स्पैरा इसके तीन रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है आओ, हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफेद है यहाँ पर क्या दिया है बच्चों yes, let us see. देखो, ट्राई कलर्स इट टेल्स अबाउट द एकता एकता मीन्स वॉट चिल्ड्रन इट टेल्स अबाउट यूनिटी यूनिटी ऑफ इंडियंस एंड केसरिया रंग का हथ है बहादुरी बहादुरी ऑफ याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया बलिदान मीन सेक्रीफाइसिट फ्रीडम हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे देफो वी आर टू टेक दट बीवल ऑल्सो विल बी ब्रेव तिरंगे झंडे में दूसरा रंग है सफेद द नेक्स्ट कलर इज गोइंग टू बी द वाइट कलर ओके चिल्ड्रेन प्रतिज्ञा मीन प्लेज आगे देखें बच्चों यहां पर क्या देखते हैं बच्चों अब तो गांधी जी को देख रहे हैं महात्मा बुद्ध को देख रहे हैं यहाँ पर शांति की चित्र भी है यहाँ पर और यहाँ पर एक मुहावरा भी है आई डिस्ट्रॉय माई एनिमीज वेन आई मेक देम माई फ्रेंड्स इज एंटेडो यू कैन सी दी वैन यू रिम्बर गांधी जी वॉट यू थिंक यू थिंक ऑफ इज नॉन वायलेंस यू थिंक ऑफ इज पैट्रियोटिज्मनेस एवरी थिंग यू थिंक नो एंड देन वैन यू थिंक ऑफ लॉर्ड बुद्धा वो थिंक यू थिंक ऑफ इजनेस मर्सी एक्सेट्रा एंड देन शांति मीन्स देर शुड बी पीस एवरीवेयर चिल्ड्रेन वी शुड नॉट फाइट अमंग आर सेल्फ एंड देन वी शुड मेक अवर एनिमीज ऑल्सो एज अवर फ्रेंड्स ओके दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू रीड यर यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है कौन सा रंग सफेद रंग इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है गांधी जी की अहिंसा मुस्कराती है आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना लें और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण लें झंडे के अरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश चिल्ड्रन Yes. Uh, यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है देखो इट टेल्स अबाउट द प्यूरिटी ऑफ अवर था विच रंग विच कलर द्व कलर इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है मोर्सी द काइंडस वीकेट बुद्धा इज एंट ही एंड देन गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है देखो वी कैंसी गांधी जी फेस द अहिंसा दट इज नॉन वायलेंस एंड आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना लें दुश्मनों मीन एनिमीज लेट अस मेक द एनिमीज एनिमीज एस फ्रेंड्स वी हैव एनी एनिमीजो इट देव यस इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण है देखो वी आर टू प्लेट दिस फ्लैग दैट वी विल ब्रिंग पीस इन दंट्री इस झंडे के अरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली हरियाली मीन्स दैट इज ग्रीनरी And Kushali means prosperous, ok, children. Yes, Dushpano means enemies, and then Shanti means peace, ok, Ariali means greenery. Let us see the next color. यहाँ पर आप क्या देखते हैं बच्चों खेत है ना? खेत कैसा है बहुत हरा भरा है ना? हरियाली आप लोग देख सकते हैं ना हरियाली चारों ओर छा चा गई है और यहाँ पर क्या देखते हैं? किसको देखते हैं बच्चों ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कौन है हमारा प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री है ना? इसने क्या किया इस पंचवर्षीय योजनाओं की योजना बनाई उसने आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना यही है पंचवर्षीय योजनाओं दैट इज नथिंग बट फाइव ईयर प्लान्स it was formulated by Pandit Jawaharlal Nehru. And then you, because of that five year plans, the economy of India has been improved a lot. And it is now, it is becoming in the developing country. You can see because of that, we have more hotels, N number of hospitals and N number of schools. Everywhere you can see schools nowadays, isn't it? And then industries also, you can see everywhere because of Pandit Jawaharlal Nehru only, because of this five year plans, every five year they will give मनी टू इम्प्रूव दिस सेक्टर्स ओके वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस यह हरा रंग भारत के दट का विल नॉट कम चिल्ड्रन के खेत खेत में बिकरता और अर मैदान में बरसता दिखाई देता है हमारा देश किसानों का देश है मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है इस रंग में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता छिपी है इन योजनाओं से आने वाले समय में देश में कारखानों स्कूलों अस्पतालों और नहरों का जालसा बिछ जाएगा देखो दिस ग्रीन कलर नो देखो इट टेल्स व्हाट? इट टेल्स अबाउट द ग्रीनरी एंड देन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया एंड देन केत मे बिक्रता है दे हैव गिवन दिस ग्रीन कलर टू अवर इंडियन फ्लैग बिकॉज इट एल्स अबाउट द हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर्स वाई इट इज सो ग्रीनरी बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ फार्मर्स नॉट ओनली दैट बिकॉज ऑफ द लेबरर्स ऑल्सो द इंडिया दैट इज दवर कंट्री इज वेरी मच ग्रीनरी एंड देन यू कैन सी इन एव कैत में बिक्रता देखा यू कैन सी दैट ग्रीनरी इन ईच एंड एवरी फील्ड एंड मैदान में बरसता दिखाई देते हो यू कैन सी ग्रीनरी इन ईच एंड एवरी ग्राउंड एंड हमारा देश किसानों का देश है इट नेशन ऑफ फार्मर्स नॉट ओनली दैट मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है श्रमिक मीन्स लेबर्स वन वो डू हार्ड वर्क दे आर नोन लेबर्स दिफोर इट इज अ कंट्री फॉर लेबर्स ऑल्सो एंड देन इस रंग में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं पंचवर्षीय योजना मींस फाइव ईयर प्लान्स यू कैन सी हियर फाइव ईयर प्लान ओके की सफलता जीपी है देयरफॉर द सक्सेस ऑफ फाइव ईयर प्लान हैज बीन हिडन इन दिस कलर व्हिच कलर चिल्ड्रन यस ग्रीन इन योजनाओं से आने वाले समय में देश में कारखानों स्कूलों अस्पतालों और नहरों का जालसा बिछ जाएगा देयरफॉर बिकॉज़ ऑफ दिस फाइव ईयर प्लान We have Karkana means industries, you can see here, isn't it? These are industries and school, -owned. you can see the schools here and as well as the hospitals. We have so many facilities in the hospitals, isn't it? And then you can see the canals, because of these canals only, the farmers are getting what? Water. And we can see greenery in each and every field, isn't it? Therefore, it, this color shows the prosperity of India. Yes, Bikarna means to. शैटर चिल्ड्रेन बिकरता यू कैन सी बरसता मीन टू शव ओके एंड देन दिसानो मीन दट इज इंडस्ट्रीज एंड कैन लिटन आगे देखिए बच्चों यहां पर क्या देखते हैं मैंने पहले ही बताया ना ये तो अशोक चक्र है अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होती है बच्चों चौबीस तीलियाँ ये किसका सूचक देती है बच्चों इट टेल्स अबाउट द टाइम इट यस आर नो यस ये तो चौबीस घंटों की सूचक है एंड देन यू कैन सी य पीस पिक्चर इट दैट इज आवर नेशनल फ्लैग शुड ब्रिंग पीस एवरीवेयर

जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों की सूचक है सूचक मीन इंडिकेटर यह चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक है गति जीवन है सफेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देती देता है यह तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है देखो यू कैन सी दी अशोक चक्र इन द मिडिल पट्टी इज एंटेड इन दैट इन द्विट वाइट कलर यू कैन सी दिस अशोक चक्र एंड देन यू कैन सी इसमें चौबीस तीलियाँ होती है तीलियाँ मीन्स पोक्स ओके यू कैन सी दिस नो इफ यू काउंट इट विल बी ट्वेंटी फोर ओके दैट इज गिवन ईयर एंड जो पूरे दिन के चौबीस बहुमूल्य घंटों की सूचक है सूचक मीन्स इंडिकेटर इन इंडिकेट द प्रेशियस ट्वेंटी फोर आवर्स अ डे एंड देन यह चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक है प्रतीक मीन्स सिम्बल इट इज द सिम्बल ऑफ स्पीड एंड वॉट प्रोग्रेस गति जीवन है देखो स्पीड इज लाइफ सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देती है देखो दिस कलर टेल्स टू ब्रिंग पीस इन द नेशन वी शुड नॉट फाइट अमंग अवर सेल्स ओके चिल्ड्रेन ये यहाँ पर तीलियाँ तो स्पोक्स है बहुमूल्य मीन्स स्प्रेशियस एंड चूचक मीन्स इंडिकेटर एंड प्रगति मीन्स प्रगति का पर्यायवाची तो उन्नति है वो भी प्रोग्रेस भी कहा जाता है बच्चों प्रतीक मीन्स सिंबल गति मीन्स स्पीड परिवर्तन मीन्स चेंजेस बदलाव आगे देखें बच्चों यह झंडा उससे पहले ये बताइए ये लोग क्या कर रहे हैं व्हाट दे आर डूइंग येस दे आर what they are doing they are keeping the flag very carefully why we should keep so because we sh it is our pride isn't it therefore we should not let it down it should not fall on the ground therefore they are keeping keeping in their hands they, you can see three officers holding the flag isn't it while hoisting and unloading the flag should not touch the ground we should be very careful in our children before they are holding the flag. So, and next you can see, well, see during the uh, before the independence, and all what they did. There were many movements to fight for the freedom, isn't it? For that, many soldiers have died because of this flag because they don't want to let their flag down, isn't it? They were, were very cautious in that, and many soldiers have been died in that incident also. एंड देन दिस फ्लैग ओनली ब्रिंग्स and प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रीनरी टू अस ओके us see सी दिस झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है यह आवश्यक है कि पैराते और उतारते समय झंडा झंडे का भूमि से स्पर्श न हो झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है अब इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश को अरा बरा और खुशहाल बनाने का प्रण लें देखो ये झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है देखो इट इज दिंबल ऑफ अवर इंडिपेंडेंस एंड रेस्पेक्ट अब फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि से स्पर्श ना हो देखो इट शुड नॉट टच द ग्राउंड वाइल वी आर ऑइस्टिंग और वाइल वी आर अनलोडिंग इट जंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है रक्षा मीन्स वॉट वी आर टू प्रोटेक्ट अवर फ्लैग इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अवर फ्लैग आओ इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण है लेट एस टेक प्लेट्स टू मेक दिस कंट्री ग्रीन एंड प्रॉस्परस लेट एस टेक दिस प्लेट इन फ्रंट ऑफ फ्लैग ओके चिल्ड्रन दैट इज वॉट गिवन स्वतंत्रता मीन्स इंडिपेंडेंस And then Samman means honor, respect. And then Bhumi means earth. Raksha means protect. Kushal means prosperous. Okay, children, that's what we saw here. लेट मी गिव कंक्लूजन ऑफ इट व्हाट वी लर्न हियर चिल्ड्रन यस देश के झंडे को हमें क्या करना है रक्षा करना है और सम्मान भी देना है है ना और पैराते और उतारते समय झंडे को भूमि से स्पर्श ना होना चाहिए और हम विश्व में शांति फैलाना चाहिए है ना बच्चों हाँ अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों धन्यवाद बच्चों To receive our online lessons, please, pres please press the subscribe button, and you will get the latest updates. Right. To receive our online lessons, please press the subscribe button, and you will get the latest updates. SRMJV is not just a school; it's a one-time experience. William Nagar, Tiruvallur.